अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 90 न्यूज़। में हूं आपका होस्ट मोहम्मद ईसा। ज़िले मीरपुर खास में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी, नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। ज़िले इंतजामिया की तरफ से ज़िले में इमरजेंसी लागू, हज़ारों एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, जिसमें मर्ची, कपास, टमाटर, सब्जियां वगैरह डूब गईं। ड्रेन नाले फुल हो गए, जगह जगह नालों में शगाफ पड़ गए। ज़िले मीरपुर खास से गुजरने वाले बड़े सेम नाले LBUD में दो जगह, शमन खान लगारी जुडो के करीब आदम मोरी के मकाम पर शगाफ पड़ गए। हजारों एकड़ जमीन, फसलें और सैकड़ों गांव जेर आब आ गए। अवाम बेयारो मददगार, हुकूमत से मदद की अपील। नेचुरली सबसे बड़े सेम ड्रेंज नाले हाकड़ों पर बासर लोगों ने कब्जे कर लिए। कब्जे हटाने के लिए जमींदार और किसान सरापाए एहतजाज। अगर हाकड़े में ब्लॉकेज खत्म की जाए तो ये एरिया को कोई खतरा नहीं। अच्छा सर जी, हाकड़ो किस किस जगह पर ब्लॉक है? हाकड़ो जो है इधर, एक तो वो इधर नौकोट में अभी भी ब्लॉक है जी, लोगों ने बीच में कंस्ट्रक्शन की हुई है, उसको तंग किया हुआ है। फिर दूसरा, यहाँ लोगों ने अपना पानी जो स्टॉक करने के लिए बीच में बंद लगाए हुए है, जो इधर इधर चार बंद इधर ही लगे हुए हैं, बड़े बड़े जो तकरीबन ये 4 किलोमीटर के शादी लाज के करीब। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से वंगो से लेके नीचे मिथी तक ये 8 किलोमीटर में तकरीबन 6 बड़े बड़े बंद लगा के इसको ब्लॉक किया हुआ है पानी स्टॉक करने के लिए। उसके लिए क्या होता है, जब बारिश होती है बजाय पानी निकासी होने के हमारी गोठों में हमारी फसलों में ओवरफ्लो होके हमें डबो देता है। तो हमारे काम आला से ये दरख्वास्त है DC मिखी से कि ये थोड़ी कार्रवाई की जाए, ये ब्लॉकेज निकाल दी जाए, ये नौकोट वाली ब्लॉकेज निकाल दी जाए ताकि लोगों का जानी